गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. हम अपने जो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें से ये मेरी आखिरी थ्योरी है. तो उसमें क्या है, जो पहले वाली वीडियोज़ हैं आप उसमें सारी थ्योरीज चेक कर सकते हैं. ये वाली लास्ट और छोटी सी थ्योरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है. कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं इसके, तो मैं आज वही आपसे डिस्कस करूँगी ताकि आपको ये लर्न हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में मेन पॉइंट्स ही आपसे पूछे जाएंगे. तो आज सिर्फ ज़्यादा ही वही डिस्कस करूँगी, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी नहीं है ये. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं. जो आज की थ्योरी है वो तरल व ठोस बुद्धि यानी कि फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है. ये होती क्या है, और सबसे पहले बात करते हैं कि किसने दी है, ठीक है. इसके जो प्रतिपादक यानी कि जन्मदाता हैं, जो इस थ्योरी को हमारी साइकोलॉजी इंटेलिजेंस के अंदर लेकर आए थे, क्यों लेकर आए थे, वो हम डिस्कस करेंगे. ये दी हैं हमारे केटल व हॉर्न ने. केटल व हॉर्न ये वाली थ्योरी हमारी तरल व ठोस बुद्धि की लेकर आए थे इंटेलिजेंस के अंदर. अब इंटेलिजेंस के अंदर इन्होंने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि यानी कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज बुद्धि को, इंटेलिजेंस को अलग अलग क्यों रखा है, क्या बात बोली थी इसके अंदर. इन्होंने दो पॉइंट दिए थे. फर्स्ट है हमारा तरल बुद्धि यानी कि फ्लूइड, और सेकेंड इन्होंने दी थी ठोस बुद्धि यानी कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ठीक है. डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है और क्यों इन्होंने रखा था. केटल और हॉर्न ने कहा था कि बच्चे के अंदर जो उसका इंटेलिजेंस होता है यानी कि जो उसकी बुद्धि होती है, एक तो तरल बुद्धि होती है, फ्लूइड होती है, एक होती है ठोस यानी कि एक होती है क्रिस्टलाइज. तरल बुद्धि कैसी होती है, तरल बुद्धि होती है जन्मजात, जन्मजात व वंशानुक्रम यानी कि जो हमारी बाय बर्थ होती है, और हेरिडिटी एंड जीन्स के अकॉर्डिंग हमें मिलती है. तो तरल बुद्धि बोला था कि बच्चों के बॉडी में जो हमारे मतलब दिमाग में जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो एक तरल रूप में होती है यानी कि बच्चों के अंदर एक बुद्धि होती है जो जन्मजात होती है, जो हमें हेरिडिटी के अकॉर्डिंग मिलती है, अपने जीन्स के अकॉर्डिंग मिलती है. मैं पहले ही बात कर चुकी थी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि जो हमारा मेंटल एबिलिटीज़ होती है, इंटेलिजेंस होता है, वो हमें बाय बर्थ ही मिल सकता है. आप थ्रू एनवायरनमेंट इसको ऊपर नीचे 19-20 के फ़र्क से बड़ा और कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं कर सकते हैं. जिस हिसाब से आपके पेरेंट्स की और हेरिडिटी के अकॉर्डिंग आपके जीन्स है ना, उसी अकॉर्डिंग आपकी बुद्धि आएगी. अगर आपकी पेरेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल या बुद्धि एक IQ लेवल 70 से 79 यानी कि सामान्य बिल्कुल नॉर्मल बच्चे वाला है, तो आपका भी यही होगा. आप इसको एनवायरनमेंट के थ्रू हार्डली 80 और 89 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 120 प्लस ले जा सकते हैं, ओके. तो इसीलिए जो हमारा जन्मजात और वंशानुक्रम इंटेलिजेंस होता है, हॉल ने उसको तरल बुद्धि यानी कि फ्लूएंट इंटेलिजेंस कहा है. उन्होंने बोला था कि बच्चे के अंदर ये जन्मजात होता है, वंशानुक्रम के थ्रू ही हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं. बच्चे और वंशानुक्रम और जो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मेंटल के साथ साथ हमें फिजिकली भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक हमारी बॉडी शेप और कलर, आई कलर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें हेरिडिटी अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग और जीन्स के अकॉर्डिंग प्राप्त होती हैं, ठीक है. तो और हमारा मेंटल एबिलिटी, IQ लेवल हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कैसे हमें हेरिडिटी और जीन्स के अकॉर्डिंग मिलता है. तो केटल और हॉर्न ने इसको तरल बुद्धि के सिद्धांत में रखा था कि जो फ्लूएंट इंटेलिजेंस है वो हमें जन्मजात हेरिडिटी अपने पेरेंट्स के अनुरूप ही किसी बच्चे को प्राप्त होती है. उसको आप एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन 19-20 का फ़र्क करके उसको चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें वृद्धि या ग्रोथ नहीं कर सकते हैं. अब सेकेंड उन्होंने बोला था ठोस बुद्धि यानी कि क्रिस्टलाइज एक इंटेलिजेंस बोला था. इसके अंदर क्या बोला था, केटल और हॉर्न ने कहा था एक बुद्धि बच्चे के अंदर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होता है जो हमारे अर्लियर एक्सपीरियंसेस से बच्चे सीखते हैं यानी कि पूर्व अनुभवों के द्वारा बच्चा सीखता है.
ओके क्रिस्टलाइज थ्योरी के अंदर बोला था कैटल और हॉर्न ने कि बच्चे के अंदर जो क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो पहले सीख चुका है, जो उसके अर्लियर एक्सपीरियंसेस हैं, पूर्व अनुभव हैं, उनका यूज़ करते हुए वो नई चीज़ें सीखता है, न्यू लर्निंग करता है, जो उसके वहाँ पर एक पॉजिटिव रूप में हेल्पफुल होती है। वहाँ पे इन्होंने जो आपकी अर्लियर एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जहाँ पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा है वहाँ पे क्या है, आप कोई भी न्यू चीज़ सीख जाएंगे, और जहाँ पे आपको नेगेटिव मिल रही है वहाँ पे आप वो नई चीज़ नहीं सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप मान लीजिए मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं या आप मैथ्स में प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो ये सारी आपको कहाँ पे भी और जगहों में यूज़फुल हो सकती है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको डाटा एनालाइज और इन सब चीज़ों में वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है प्लस माइनस, यानी कि मैथ्स की चीज़ें आपकी इकोनॉमिक्स में यूज़फुल हुई, यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ, तो आपके अर्लियर एक्सपीरियंसेस न्यू लर्निंग में आपका हेल्प किया। ऐसे ही मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपके साइंस में भी यूज़फुल होते हैं जब आप इक्वेशंस और थ्योरीज सॉल्व करते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव लर्निंग हो रही है। आपने अर्लियर एक्सपीरियंसेस को न्यू एक्सपीरियंस न्यू लर्निंग के अंदर यूज़ किया नई चीज़ें सीखने के लिए। और जो सेकेंड है आपका नेगेटिव भी होता है, अगर आप मान लीजिए SST पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस का यूज़ आप मैथ्स में तो नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या नेगेटिव रिस्पांस है, सोशल साइंस बिल्कुल अलग है, मैथ्स अलग है, उन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, जो आपके SST वाले सोशल साइंस जब आपने पढ़ी थी सीखी थी तो वो वाले एक्सपीरियंसेस आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट में हेल्पफुल नहीं होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव रिस्पांस रहा, आप नई चीज़ें लर्निंग करने में हेल्पफुल नहीं होगी। तो कैटल और हॉर्न ने कहा था कि बच्चे के अंदर एक क्रिस्टलाइज थ्योरी भी होती है, एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस भी पाई जाती है, जिसके द्वारा बच्चा अपने पूर्व अनुभव है, अर्लियर एक्सपीरियंसेस हैं, वो न्यू थ्योरी में जनरेट करके नई चीज़ लर्न कर सकता है। ओके तो कैटल और हॉर्न ने ये दो चीज़ें दी थी सिंपल सी। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी किसने दी, कैटल और हॉर्न ने। तरल में जन्मजात और वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, जीन्स और बाय बर्थ की चीज़ें रखी थी जो हमें अपने पूर्वज यानी कि पेरेंट्स के द्वारा मिलते हैं, उनमें कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाते हैं। कल को आपके बच्चे होंगे तो वो चीज़ें उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और सेकेंड ठोस क्रिस्टलाइज थ्योरी दी थी जो अर्लियर एक्सपीरियंसेस पे आपके डिपेंड रहती है कि जो भी आप पुरानी चीज़ें सीखते हैं उसका यूज़ आप न्यू लर्निंग के अंदर कर सकें। ये वाली थ्योरी मेरी यहीं पे फिनिश होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू इंटेलिजेंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।